हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6, फिस्ट ऑफ द डेड। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के बारे में पढ़ना। फिस्ट ऑफ द डेड, इस कहानी में ये बताया गया है कि एक गरीब तुर्की परिवार होता है जिसका हेड होता है दर्शन आका। वह घरों घरों में ले जा करके पानी सप्लाई करने का काम करता है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से संपन्न परिवार के घर जो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है, शोकाकुल परिवार, उनके यहाँ खाना भिजवाया जाता है। तो वहाँ से कुछ दिन तो उस दर्शन आका के घर खाना आता है, लेकिन कुछ दिनों बाद खाना आना बंद हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमें एक बच्चे की मनोस्थिति बताई गई है कि जब उसको दूसरे लोगों के यहाँ से खाना आना बंद हो जाता है तो वो क्या सोचता है कि उसका दूसरा भाई जो है वह बीमार हो रहा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाएगी तो दूसरे लोगों के यहाँ से वापस खाना आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे पढ़ना। जनवरी चेंज द कलर ऑफ द एयर। जनवरी मार्च माह आते ही हवा का जो रुख है वह बदल गया है। द वर्ल्ड सीम्स ग्रीमर एंड पीपल वेंट ओनली फॉर वर्क। ग्रीमर का मतलब होता है अरुचिकर। संसार जो है वह बिल्कुल अरुचिकर लगने लगा है और लोग जो है सिर्फ अपने काम के लिए ही घरों से बाहर निकलते हैं। देयर वॉज नो बडी अंडर द ओक ट्री, यानी ओक ट्री के नीचे भी अभी कोई नहीं है। इन द कंट्री यार्ड, कंट्री यार्ड का मतलब होता है आंगन। इन द कंट्री यार्ड ऑफ द मॉस्को एंड अदर कूल प्लेसेज वेयर चिल्ड्रन गैदर्ड इन द समर। और उस ओक ट्री के नीचे और कंट्री यार्ड यानी मस्जिद का जो आंगन है वहाँ पर भी जो गर्मी में जितने बच्चे इकट्ठे होते हैं, लेकिन अभी सर्दी का मौसम आ गया है तो वहाँ पर भी कोई नहीं है। द फाउंटेन्स वर नेवर कम्प्लीटली डेजर्टेड। फाउंटेन यानी होता है फवारे और डेजर्टेड का मतलब सुनसान, यानी फाउंटेन जो थे वह कभी भी डेजर्टेड नहीं हुए थे, यानी कि सुनसान नहीं हुए थे। कोई ना कोई वहाँ पर पानी भरने के लिए जाता रहता था। ऑलमोस्ट एवरी डे देयर वुड बी समवन टू गो देयर टू फेच द डे वॉटर, यानी हर रोज़ कोई ना कोई अपने रोज की ज़रूरत के लिए पानी लेने के लिए उस झरने पर जाया करता था। देट नोन द बॉय हु हैड बीन टू द फाउंटेन रेन बैक टू द स्ट्रीट पेंटिंग एंड टोल्ड द फर्स्ट मैन ही सॉ। तो एक दिन दोपहर में एक लड़का फवारे पर पानी लेने गया, तो वो वहाँ फवारे से भागता भागता गली में आया और उसको जो फर्स्ट पर्सन दिखा उसको उसने बोला, दर्शन आगा जो है वह मर गए हैं। दर्शन आगा द वॉटर कैरियर वाज अ फेमिलियर फिगर ऑन द स्ट्रीट। दर्शन आगा जो थे वह वॉटर कैरियर है, यानी कि पानी लाने वाला है, तो उसको गली में हर कोई जानता है। ही बेयरली मेड बोथ एंड्स मीट एंड लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन इन अ स्मॉल हाउस। तो दर्शन आका जो था वह वाटर सप्लाई करके इतना ही कमा पाता था जितना कि वह दो वक्त का खाना खा सके और अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से घर में वह रहता था। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और उसके टू चिल्ड्रन थे। His entire capital consisted of two water cans and a pole with a chain dangling from either end hoisting the pole on the shoulder. और अगर दर्शन काका आका के पास और कोई उनकी प्रॉपर्टी थी तो वो था सिर्फ उनके दो कैन। डेंगलिंग का मतलब होता है लटकते हुए, और एक पोल था जिसके ऊपर वह पानी ले जाता और लाता था, और वह अपने दोनों शोल्डर के ऊपर वह जो पोल था यानी लकड़ी के जो डंडे थे उनको उठा करके रखता और उनके ऊपर एक जंजीर लटकी रहती थी। डंडों को कंधे पर उठाए हुए वह दोनों उसके पास जो ड्रम थे उनको हैंडल को जंजीर में फंसा करके और उसे रोज सुबह पानी सप्लाई करने का काम करने के लिए निकल पड़ता था। वॉटर, एनी बडी नीड वॉटर, और वह गलियों में जा जा करके बोलता, पानी पानी चाहिए किसी को। हिज वॉइस वुड कैरी एज फार एज द लास्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट, और उसकी वॉइस जो थी इतनी तेज थी कि स्ट्रीट का जो लास्ट घर होता था उस तक उसकी आवाज़ गूंज उठती थी। दोज हु नीडेड वाटर वुड कॉल बैक, और जिसे पानी की आवश्यकता होती थी वह वापस उसे रिटर्न में आवाज़ दे करके और बुला लेते थे। दर्शन आगा वन ट्रिप और टू ट्रिप और थ्री ट्रिप। तो जैसे ही दर्शन आगा को कोई पानी के लिए वापस आवाज़ देता है कि उसको पानी चाहिए, तो दर्शन आगा उससे बोलते हैं कि वन ट्रिप, टू ट्रिप या थ्री ट्रिप। तो ये क्या है इसको आगे देखते हैं। वन ट्रिप मीन टू कैंस ऑफ वाटर। वन ट्रिप का मतलब होता है कि टू कैन ऑफ वाटर, यानी पानी के दो ड्रम। देन दर्शन आगा वुड क्लाइम अप द हिल्स टू द फाउंटेन, फिल अप हिज कैंस एंड गो एंड फ्रो बिटवीन द फाउंटेन द हाउसेज। दर्शन आका पहाड़ी पर चढ़कर उस फाउंटेन पर जाता और अपने जो ड्रम थे उनको भर करके और मकानों के बीच दिन भर इधर उधर आता जाता रहता था, यानी वो वाटर सप्लाई करता रहता। ऑल डे लॉन्ग, यानी वो पूरे दिन यही काम करता रहता। ही गॉट थ्री कुरुश फॉर ईच ट्रिप, और हर ट्रिप के लिए उसे तीन कुरुश मिलते थे। कुरुश टर्की की मुद्रा का नाम है। द वे ऑफ अर्निंग वॉज लाइक डिगिंग अ वेल विथ अ नीडल। नीडल का मतलब होता है सुई, यानी दर्शन आका जिस तरह से पैसे कमाते थे वह काम ऐसा था जिससे जैसे कि किसी सुई से कुआं खोदना।
इफ दे हैड हैड टू रियली ओनली ऑन हिज अर्निंग आई इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू फीड फोर माउथ बट थैंक गॉड हिज वाइफ गुलनाज वॉज कॉल्ड अपॉन देयर फोर टाइम्स अ वीक टू वॉश क्लॉथ्स. यानी कि इस तरह से धन कमाना जो था वह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था. यदि वे उसकी कमाई पर आश्रित रहते हैं तो उनकी फैमिली में जो फोर मेंबर थे उनका पेट भरना असंभव था. लेकिन ईश्वर की कृपा से उनकी पत्नी गुलनाज जो है वह सप्ताह में 3 या 4 बार कपड़े धोने के काम मिल जाने की वजह से वो काम करने के लिए जाया करती है. शी ट्राइड टू हेल्प हर हस्बैंड अर्न जस्ट अ लिटिल बिट मोर. और वह इस तरह से अपने पति की थोड़ा और ज़्यादा कमाने में हेल्प करती थी ताकि उनका घर अच्छे से चल जाए. चीटिंग इन पैथेटिक हार्मलेस वेज यूजिंग अ कैन और टू कैन मोर वाटर सो देट हर हस्बैंड कुड अर्न अ फ्यू मोर देन 3 क्यूरूस. और वह इसके लिए कपड़े धोने का जो काम करने जाती थी वहाँ पर 1-2 जो ड्रम थे वो पानी ज़्यादा यूज में लेती थी ताकि उसके पति को और अधिक ज़्यादा आय हो. इस प्रकार वह हानि रहित धोखा देती थी लोगों को क्योंकि वह पानी लेने सॉरी कपड़े धोने जाती तो वहाँ पर पानी ज़्यादा ख़त्म करती तो लोग उसके पति से ही पानी मंगाते. तो वह सोचती थी कि इससे ज़्यादा पानी ख़त्म करूँगी तो मेरे पति से ही और लोग पानी मंगाएंगे और इससे उनके घर की अच्छे से कमाई चलती रहेगी. Now all these had ended suddenly. Darshan Agha had slipped while trying to stand up on the ice that had threatened during the previous night and hit his head on the stone bowl under the tap. यह सब कुछ अचानक ही खत्म हो गया. Suddenly का मतलब होता है अचानक. रात भर की सर्दी में जो बर्फ कड़ी हो गई थी यानी वहाँ पर सर्दी ज़्यादा होने की वजह से बर्फ जो थी वह जम गई थी तो उस पर खड़े होने का प्रयास कर रहे थे दर्शन आका और उसी में क्या हुआ कि वो फिसल गए. और इस वजह से टेप का मतलब होता है नल. नल के नीचे जो पड़े पत्थर थे उनके कटोरे में उनका सिर जाकर के टकरा गया. व्हेन गुलनाज हर्ड द न्यूज शी फ्रोज व्हाट वाज गोइंग टू डू नाउ. और जब गुलनाज जो उनकी वाइफ थी उनको यह पता चला कि उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई है तो जैसे ही उन्होंने यह न्यूज सुनी तो वह थोड़ी जड़वत हो गई यानी कि एकदम से शॉक हो गई और अब वह कर भी क्या सकती थी. और It was not easy to be left with 2 children, 1 9 years old and the other 6. उनके 2 children थे. एक लड़का था उनका 6 वर्ष का और दूसरा था 9 वर्ष का. तो इन दोनों बच्चों के साथ अपना जीवन गुजारा करना बहुत आसान नहीं था. How could she feed them only by washing clothes 2 or 3 times a week? She thought, but could not reach a decision. और अब वह ये सोचने लगता है जग जाती है कि वह सप्ताह में 2 या 3 बार कपड़े धोने के लिए जाती है तो इतना सा काम करके वह उन लोगों का पेट कैसे भरेगी यानी उनका गुजारा अब कैसे चलाएगी. उसमें बार बार यही सोचने बैठ जाती है वह किंतु वह अपने डिसीजन पर नहीं पहुँच पाती है कि आखिरकार वह अपना घर का गुजारा कैसे चलाएगी. It is a tradition for the neighbors to send food for a day or two to the houses where death is occurred. Occurred का मतलब होता है घटित होना और neighbors का मतलब होता है पड़ोसी. Tradition का मतलब होता है रीति रिवाज. और वह घर जहाँ पर किसी की डेथ हो गई होती है वहाँ पर 1-2 दिन भोजन भेजना पड़ोसियों का एक रिवाज होता है. तो यानी अब यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई है तो इनकी पड़ोसी जो है वह 1-2 दिन तक इनके लिए खाना भेजेंगे. The first meal came to Gulnaz and her children from the White House where Raif Effendi, the wealthy businessman, lived. तो पहले दिन का खाना जो उनके घर पर आया वह उस सफ़ेद मकान से आया जहाँ पर एक रेफ एफेंडी नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था. At noon on the day after Darshan Agha died, the maid from the White House appeared with a large tray. और दर्शन आगा के मरने के बाद उस दिन दोपहर में सफ़ेद मकान में जो बिजनेसमैन रहता था उसके घर से एक नौकरानी एक बड़ा सा थाल लेकर के और उनके घर में आई. ऑन इट वर डिशेज ऑफ नूडल्स कुक्ड इन चिकन्स ब्रोथ सम मीट इन अ रिच सॉस चीज़ रोल्स एंड स्वीट्स. तो वो जो थाल लेकर के आई थी उसमें चिकन भी था पक्की सिवैयाँ भी थी चावल की चटनी भी थी और कुछ पनीर रोल्स मिठाइयाँ और मांस भी था. टू टेल द ट्रूथ No one had thought of eating that day, but as soon as the cover was lifted from the tray, the aroma of the food benocked them. Aroma का मतलब होता है सुगंध और benocked का मतलब होता है ध्यान आकर्षित करना. तो रियलिटी तो ये थी कि उस दिन किसी का भी खाना खाने के बारे में मन नहीं था या किसी ने भी खाना खाने के बारे में नहीं सोचा था. लेकिन जैसे ही वह थाली उनके घर से आई और उस थाली के ऊपर से जो ऊपर आवरण ढका हुआ था उसको हटाया गया तो उस खाने की इतनी अच्छी सुगंध आई कि सबने उसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर लिया.
दे गेदर्ड राउंड द टेबल एंड मे बी बिकॉज दे हैड नेवर हैड सच गुड फूड बिफोर इट टेस्टेड एक्सेप्शनली डिलीशियस। एक्सेप्शनली का मतलब होता है विशिष्ट रूप से और डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। तो जैसे ही उन्होंने क्या किया कि उस जो प्लेट थी उसके ऊपर से कवर था उसको हटाया तो उस खाने की सुगंध इतनी अच्छी आई कि वो लोग क्या हुए सब लोग उठे और एक मेज के चारों तरफ एकत्रित हो गए। वो क्यों एकत्रित हो गए? क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा अच्छा भोजन कभी नहीं किया था। ये जो खाना था ये बहुत ही स्वाद में विशिष्ट था, इसलिए सब लोग उसकी सुगंध सूंघ करके और उस टेबल के चारों तरफ खड़े हो गए। Having eaten once, they found it natural to sit around the table at supper time and satisfy their hunger with the leftovers of their lunch. Leftover का मतलब होता है बचा हुआ। तो जब उन्होंने एक बार भोजन कर लिया तो फिर रात का जो खाना था वह खाना खाने के लिए वापस उस मेज पर आए, लेकिन उनके पास और खाना तो था नहीं, तो उनके पास जो दिन का बचा कुचा खाना था उसी को खा करके और उन्होंने अपनी भूख को शांत कर लिया। और यह एक स्वाभाविक भी था क्योंकि अब उनके पास और कोई खाने का ऑप्शन भी नहीं था। Another neighbors took care of the food for the next day. अगले दिन दूसरे पड़ोसी ने खाना भेजा। This went on for 3 or 4 days. और ये ऐसा खाना आने का काम 3-4 दिन तक चला। None of the later meals were as tasty or generous as food from the White House, but they were all a great deal better than any that was overcooked in Gulna's board. तो बाद में जो खाना आ रहा था वह इतना स्वादिष्ट नहीं था जितना कि उस व्हाइट हाउस से आया था, लेकिन वह सब खाना जो उनके नाइबर्स के घर से आ रहा था वह गुलनाज के घर में वाले पकने वाले खाने से बहुत ही ज़्यादा बेहतर था। यानी गुलनाज के घर में जो खाना बनता था उससे कई ज़्यादा बेहतर था उनके पड़ोसियों के घर से जो खाना आ रहा था। If this could have continued, Gulnaz and her children could easily have borne their sorrow of the end their lives. But when the tray stopped coming and the coal they were buying from the store on the main street could not be bought anymore, they began to realize that their sorrow was unbearable. Unbearable का मतलब होता है असहनीय। Began to realize का मतलब होता है अनुभव करने लगा। और अगर ऐसा ही क्रम चलता रहता यानी पड़ोसियों के यहाँ से उनको डेली खाना मिलता रहता तो गुलजार और उसके बच्चों को अपना जो दुख है उसको जीवन भर सहन करने के लिए थोड़ी आसानी हो जाती। यानी उनको अगर दूसरों के यहाँ से खाना मिलता रहता तो शायद वो अपने दुख जो था उसको जीवन भर आसानी से निकाल पाते। लेकिन क्या हुआ कि जब थाल आने बंद हो गए और मुख्य गली पर स्थित भंडार से जो खरीदा गया कोयला था वह भी अब नहीं खरीदा जा सकता था और वह ऐसा महसूस करने लगे थे कि उनका दुख जो है अब असहनीय है। यानी उनके वहाँ जो कोयला मिल रहा था वह भी अब उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। द फर्स्ट डे द फूड स्टॉप दे केप्ड अप देयर हॉप्स टिल नून रनिंग टू द डोर ईच टाइम दे हर्ड अ फुट स्टेप आउटसाइड। फुट स्टेप का मतलब होता है पदचाप यानी किसी के चलने की आवाज़। तो जब उनके पड़ोसियों के यहाँ से खाना आना बंद हो गया और जब पहले दिन ऐसा हुआ तो उन्होंने क्या किया कि दोपहर तक उनकी यही आशा बनी रही, वो इस होप में रहे कि शायद अब कोई खाना देने आएगा, अब कोई खाना देने आएगा। और जब जब उनके घर के बाहर से कोई निकलता और उनके पैरों की आवाज़ सुनाई देती तो वह दौड़ करके जाते और अपने दरवाजे पर जा करके देखते कि शायद कोई खाना देने के लिए आया है। बट इट वॉज ओनली पीपल गोइंग अबाउट देयर डेली लाइव। लेकिन वो लोग जो आ जा रहे थे उनकी जो डेली रूटीन था उसी काम से वो लोग आ जा रहे थे, उनके घर पे कोई भी खाना देने के लिए नहीं आया था। एट सुपर टाइम्स दे रियलाइज नो वन वाज गोइंग टू ब्रिंग देम फूड सो दे हैड टू कुक एट होम एज दे हैड डन बिफोर। और उन्होंने पूरे दिन तो वेट किया लेकिन कोई उनके घर खाना देने नहीं आया, तो जब रात के खाने का समय हो गया तब उन्होंने यह फील कर लिया यानी महसूस कर लिया कि अब उनके घर कोई भी खाना देने के लिए नहीं आएगा और अब उन्हें पहले की तरह ही अपने घर पर ही खाना पका करके खाना है। दे हैड गॉट यूज टू क्वाइट अ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू द मैगरी डिश गुलनाज कुक्ड विथ हार्डली अ ट्रेस ऑफ बटर। मीगर का मतलब होता है बहुत कम और ट्रेस का मतलब होता है बहुत थोड़ा। ग्रेन यानी अनाज, यानी लास्ट कुछ दिनों के बाद वो अलग प्रकार के खाना खाने के आदि हो गए थे। यानी लोगों के घर से जो खाना आ रहा था वह थोड़ा अलग था टेस्ट में, तो जब उनके घर पे खाना आना बंद हो गया और गुलनाज के द्वारा जो खाना पकाया गया उस पर थोड़ा ही मक्खन लगाया गया तो इस तरह का खाना खा करके और उनको समायोजन करना यानी पचाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। दे हैड नो चॉइस बट टू गेट यूज टू इट अगेन। लेकिन उनके पास इस तरह का खाना खाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। यानी अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि वो कहीं से अच्छा खाना खाए, अब उनकी माँ जो पका करके देगी उसी को खाने के लिए उनको मजबूर होना पड़ रहा था।
इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर दे रेन आउट ऑफ बटर फ्लावर्स पोटेटोज एंड ग्रेन्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज दे हैव एट वॉट एवर दे फाउंड इन द हाउसेज टू ऑनियंस अ क्लोव ऑफ गार्लिक अ हैंडफुल ऑफ ड्राई बीन्स फाउंड इन अ कॉर्नर ऑफ द कपबोर्ड्स और अब उनके घर में मक्खन आटा आलू और अनाज सब चीज़ खत्म हो चुके थे और इनको खत्म हुए भी ज़्यादा दिन नहीं हुए। अगले कुछ दिनों तक उन्हें उनके घर में जो बचा कुचा सामान था उन्हीं में अपना काम चलाना था। जैसे उनके घर में दो प्याज बचे, एक लहसुन का घाट बचा था, मुट्ठी भर सूखे सेम की फली जो अलमारी के कोने में पड़ी हुई थी, उन्हें इन सब चीजों से ही काम चलाना था। कपबोर्ड का मतलब बताया गया है यहाँ पर अलमारी। फाइनली देयर केम अ डे व्हेन ऑल द पॉट्स बास्केट बॉटल्स एंड बॉक्सेस इन द हाउस वर एम्प्टी दे डेट दे फॉर द फर्स्ट टाइम दे वेंट टू बेड ऑन एम्प्टी स्टमक। और एट लास्ट एक दिन ऐसा आ ही गया जब उनके घर में सारे बर्तन टोकरियाँ बोतलें और संदूक जो थे उनमें सारे सामान जो रखे हुए थे वह खाली हो गए और उस दिन उन्हें पहली बार जो था वह खाली पेट सोना पड़ा। यानी उनको उस दिन सारा सामान खत्म हो गया घर में और कुछ खाने के लिए नहीं था तो उनको भूखा ही सोना पड़ा। That next day was the same. By the next afternoon, the little one had started crying with hunger. और अगला दिन भी बिल्कुल वैसा ही था और दोपहर तक क्या हुआ कि छोटा बच्चा जो था वो भूख से बिलखाने लगा और रोने लगा। गुलना स्केप्ड होपिंग समवन वुड सेंड टू हर टू वॉश क्लॉथ्स बट द पीपल ऑफ द स्ट्रीट थॉट्स इट वुड बी इनकंसीडरेट टू कॉल हर फ्रॉम वर्क। और गुलनाज जो थी वह इस होप के साथ बैठी हुई थी कि शायद कोई ना कोई इसे कपड़े धोने के लिए बुला लेगा और अगर वह जाएगी तो वहां से उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। लेकिन लोग जो थे उनको ऐसा करना थोड़ा अनुचित लग रहा था कि कैसे उसको कपड़े धोने के लिए बुलाएं। द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस होल्ड थॉट ऑफ गेटिंग अप और जब वो लोग भूखे थे तो दूसरे दिन सुबह किसी के भी उठने की इच्छा नहीं हुई। दे ऑल हैड विजन ऑफ फूड और सबको सिर्फ भोजन के ही सपने दिखाई दे रहे थे। विजन का मतलब होता है सपना। द यंगर बॉय सा सॉफ्ट एंड फुल फुली ब्रेड द ओल्डर बॉय सा स्वीट इन स्ट्रीट। छोटा जो बच्चा था उसको फूली हुई रोटी दिखाई दे रही थी जबकि बड़ा वाला जो था उसको मिठाई दिखाई दे रही थी अपने सपने में। If only he had them once more, he would eat them one by one, savoring each mouthful. और वह यह सोचने लग जाते हैं कि काश उन्हें यह जो खाना वो सपने में दिख रहा है वो मिल जाए तो उन्हें एक एक कर करके और हर ग्रास जो है उसको स्वाद लेकर के खाएगा। यानी उन बच्चों को अब इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि उनको सपने में भी खाना दिखाई दे रहा था और वो यही सोच रहे थे कि अगर ये खाना हमें मिल जाए तो हम इसके एक एक बाइट को स्वाद लेकर के खाएंगे। What a fool he had been to have eaten all his share at once. और वह यह सोचने लग जाते हैं कि वह कितने बड़े मूर्ख थे कि उन्हें जब खाना मिल रहा था तो वह सारा खाना झटपट से और एक ही समय में खा गए। अगर वो थोड़ा थोड़ा करके खाते तो शायद अभी उनके पास खाने के लिए कुछ बच जाता। गुलनाज ले इन हर बेड लिसनिंग टू द मर्मर्स ऑफ हर चिल्ड्रन टीयरिंग फ्लोविंग साइलेंटली डाउन हर चीक्स। ए का मतलब होता है लेटना, मर्मर्स का मतलब होता है बड़बड़ाहट करना यानी धीमी आवाज में बोलना, फ्लोविंग यानी बहाते हुए। तो गुलनाज जो थी वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और वह अपने बच्चे जो धीरे धीरे बड़बड़ा रहे थे, बातें कर रहे थे, वो उनकी बातों को सुन रही थी। और जब उसने उनकी बातों को सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके आंसू जो थे चुपचाप अपनी आंखों से अपने गाल पर बहने लगे। लाइफ वेंट ऑन इन द स्ट्रीट आउटसाइड एज बिफोर और बाहर गली में जो जीवन था दूसरे लोगों का वह पहले की तरह ही नॉर्मल चल रहा था। लेकिन इन लोगों की कंडीशन ऐसी थी कि इनके पास खाने के लिए खाना नहीं था और पूछने वाला कोई नहीं था। अ डोर क्लोज्ड और एक दरवाज़ा बंद हुआ यानी उन्हें एक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। शी न्यू इट वॉज द बॉय नेक्स्ट डोर गोइंग टू स्कूल और उनको पता था कि ये जो दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई है उनका जो नाइबर है उसका बच्चा स्कूल जा रहा है। फुट स्टेप साउंडेड आउटसाइड और बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी। दिस टाइम इट वॉज तहसीन एफेंडी द बारबर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट टू ओपन हिज शॉप और इस बार यह तहसीन एफेंडी नाम का एक नाई था जो कि अपनी दुकान खोलने के लिए जा रहा था। द नेक्स्ट वन वाज द क्लर्क इन द इलेक्ट्रॉनिक कंपनी देन अ शू मेकर एंड देन द ब्रेड मैन हु कम्स टू द व्हाइट हाउस एवरी डे एट द सेम टाइम। और अगला जो व्यक्ति आया हुआ था बिजली कंपनी में एक बाबू था, फिर एक मोची, फिर एक ब्रेड विक्रेता जो प्रतिदिन इस समय व्हाइट हाउस में आया करता था। वहाँ सब लोग एक एक करके और उस व्हाइट हाउस में आ रहे थे। द बिग बास्केटेड टाइड टू बोथ साइडेड ऑफ हिज हॉर्सेज वर फुल ऑफ ब्रेड और उसके घोड़े जो थे उनके दोनों और टोकरियाँ जो थी ब्रेड की वह पूरी भरी भरी हुई लटकी हुई थी। यानी वह जो ब्रेड मैन था वह एक घोड़ा लेकर के आया और उसके घोड़े के दोनों तरफ उसने क्या कर रखी थी कि ब्रेड से फुल भरी हुई टोकरियाँ जो थी उनको टांग रखी थी। द क्रीकिंग ऑफ द बास्केट कुड बी हर्ड फ्रॉम फार अवे
क्रीकिंग का मतलब होता है चरमराहट, यानी कि जब वो आता था तो उनके टोकरियों की चरमराने की आवाज़ दूर से ही सुनाई दे रही थी और दूर से ही उस आवाज़ को सुना जा सकता था। तो यहाँ तक हमने ये जाना कि दर्शन आगा जो है उनकी मृत्यु हो गई है और उनके घर पर 3-4 दिन तक तो नाइबर जो है वहाँ खाना देते हैं और उसके बाद वो लोग खाना देना बंद कर देते हैं। तो किस तरह से उनकी फैमिली जो है उनको भूखे सोना पड़ता है और भूखे ही रहना पड़ता है, कोई भी उनसे पूछने के लिए नहीं आता है खाने के लिए। तो इस कहानी में अब आगे क्या होता है हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।